कृष्णा कॉलेज में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। आज एक और वीडियो आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम 1937 की जो हमारी बेसिक शिक्षा है, जो गांधी जी के द्वारा दी गई थी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम अध्ययन करेंगे कि वो तत्कालीन स्थितियां ऐसी क्या आई कि जिसमें गांधी जी ने 1937 की बेसिक शिक्षा यहाँ पर शुरू की, क्या उसके अंतर्गत प्रोग्राम है, क्या कार्यक्रम है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम वो तत्कालीन स्थितियां देखते हैं कि वो तत्कालीन स्थितियां क्या थी कि जिसके कारण ये 1937 की बेसिक शिक्षा योजना या वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है इसको, उसको लाने में यहाँ पर मजबूर हुए ना। देखिए 1937 से पहले का जो हम थोड़ा सा समय देखते हैं, ये 1933-34-35 जो है ना, आपका पूरे भारतीय समाज में एक ऐसा रोष फैला हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ कि ये हमारी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति है ना, ये इसकी तरफ भारत को ध्यान नहीं दे रहे हैं, अंग्रेज लोग जो है ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है उनकी तरफ जो है असंतोष फैला हुआ था, हमारे जो है हमारे भारतीयों का, वो उनसे दुखी थे, परेशान थे, क्षुब्ध थे, वो अंग्रेजों से मिलते भी थे बार बार, जो यहाँ पर गवर्नर जनरल थे या उनके जो अधिकारी थे, कि आप लोग जो है इन परिस्थितियों में सुधार कीजिए। तो इसी चीज को देखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक 1935 का एक अधिनियम जो है वो पारित किया गया, 1935 का अधिनियम पारित किया गया। उस अधिनियम के तहत जो है भारतीयों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया। उस समय जो भारत कम से कम 11 प्रांतों में बटा हुआ था, तो एक जो बड़ी पार्टी यहाँ पर थी राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वो उस जमाने में, तो 11 प्रांतों में वो लड़ी, चुनाव लड़ी है, और उसमें से 7 राज्यों में जो है कांग्रेस की बहुमत से जो है जीत हुई है, और 7 राज्यों में जो है कांग्रेस की सरकार बन गई है, यानी कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री था तो भारतीय मुख्यमंत्री वहां पर बन गए हैं। तो अब जो है उस समय अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी जी का समय चल रहा था, महात्मा गांधी जी जो है वो भारत के कर्णधार माने जा रहे थे, प्रमुख नेता माने जा रहे थे, महापुरुष माने जा रहे थे, है ना, या कुछ करने की इच्छा उनके अंदर बलवती थी, तो पूरी बात लोग जो है गांधी जी ने संभालना की थी, तो उस चीज का उन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की है गांधी जी ने, और उन्होंने कहा है कि कम से कम जो है 7 राज्यों में तो जो है हम अपनी राष्ट्रीय शिक्षा योजना जो है वो चला सकते हैं, है ना। उन्होंने 7 राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे उनको कहा है, आह्वान किया है उनका, एक मतलब इस तरह की बात कही है उन्होंने, एक हरिजन पत्रिका है उसमें भी अपना उन्होंने एक वक्तव्य दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा योजना जो है हमारी कम से कम 7 साल की होगी, है ना, और उसमें जो है अंग्रेजी भाषा के लिए कोई स्थान नहीं होगा, और सारी की सारी जो है उसमें क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, वो शिक्षा रोजगार पर शिक्षा होगी, वो शिक्षा एक व्यावसायिक शिक्षा होगी, उस शिक्षा के अंतर्गत जो है हमारी भारतीय वातावरण में हम शिक्षा को देंगे, हमारे मेथड होंगे, हमारी आपकी लैंग्वेज होंगे, हमारी भाषाएं होंगी, हमारे टीचर्स होंगे, हमारे निर्धारण के उद्देश्य होंगे, है ना, ये सारी की सारी चीजें जो है हम अपने रेफरेंस में इसको रखेंगे, और वो शिक्षा जो है किसी हस्तशिल्प पर आधारित होगी, उस शिक्षा में किसी ना किसी उद्योग को हम जरूर रखेंगे जिससे वो हमारी शिक्षा जो है रोजगार पर बने, है ना। तो इस तरह की कुछ ये सब चीजें जो है वर्कर के सामने आ रही थी गांधी जी के द्वारा दिए गए वक्तव्य जो थे, है ना, कुछ अखबारों में छपे हैं, कुछ जो है आपका मैगजीन्स में छपे हैं, हरिजन नामक पत्रिका निकालते थे उसमें छपे हैं, तो ये सब चीजें निकल करके जब सामने आ रही थी तो इससे जो है देश में एक मोटिवेट हुए लोग, राष्ट्रीय शिक्षा के लिए, एक ऐसी शिक्षा के लिए जो
पूर्णावृत शिक्षा हो वो उत्साहित हुए हैं, है ना। तो उसी जब उसी समय जो है एक चीज भारतीय यहाँ पर घट रही थी गुजरात के मामलगढ़ में, वहां पर क्या एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया। क्या वर्धा नामक स्थान पर एक कॉलेज था, मारवाड़ी कॉलेज था, उसका अक्टूबर में एक रजत जयंती समारोह था। उस समारोह में जो है गांधी जी को एक आमंत्रित किया जा रहा था, तो गांधी जी से बात की गई है उसमें। तो गांधी जी ने उस चीज का फायदा उठाया और उसके जो शिक्षा थे या जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे श्री राजनाथ जी थे उसके अध्यक्ष थे, तो उनको गांधी जी ने एक सलाह दी उनको कि जितने भी हमारे राज्यों में मुख्यमंत्री हैं एक तो हम एक सम्मेलन बुला लें उस कार्यक्रम के 22 अक्टूबर 1937 के समय में एक सम्मेलन बुलाया जाए उस रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में। उस सम्मेलन में जो है हमारे 7 राज्यों के जो मुख्यमंत्री है उनको आमंत्रित किया जाए और हमारे देश के प्रमुख जो मुख्य शिक्षाविद है ना, टीचर्स है, प्रधानाचार्य है, जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनको आमंत्रित किया जाए। और उनको आमंत्रित किया गया फिर आपका 22 अक्टूबर 1937 को उनको वहां पर बुलाया गया है और वही जो है जो सम्मेलन वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया है उसी सम्मेलन को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। चूंकि ये गुजरात के वर्धा नामक स्थान पर हुआ था ये सम्मेलन, तो इसीलिए इस सम्मेलन को वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सम्मेलन में सभापति पद के रहते हुए महात्मा गांधी जी ने पूरे भारत का आह्वान किया है और जो लोग वहां पर मौजूद थे उन सभी को एक मोटिवेट किया है, उत्साहित किया है कि मेरे मन में एक विचार चल रहा है राष्ट्रीय शिक्षा योजना को चलाने का, मैं अपने कम से कम 7 जो मेरे कांग्रेसी शासित जो राज्य है उनमें तो उनको कम से कम राष्ट्रीय शिक्षा योजना को मैं चला सकता हूँ। अब उसके लिए उन्होंने एक 7 प्रोग्राम रखे हैं, 7 प्रोग्राम और गांधी जी एजुकेशन अर्थात गांधी जी के 7 कार्यक्रम उन्होंने दिए हैं उस राष्ट्रीय शिक्षा योजना के लिए। तो 7 प्रोग्राम क्या है और उसके लिए उन्होंने बताया कि अब तक की जो शिक्षा हमारी चल रही थी वो रोजगार मुख्य शिक्षा नहीं थी, वो उद्देश्यहीन शिक्षा थी, वो व्यावसायिक शिक्षा नहीं थी, है ना, वो हमारी जो मातृभाषा है उसकी उपेक्षा कर रही है, वो हमारे जो उद्देश्य हमें जगाने चाहिए छात्र छात्रा के अंतर्गत उन उद्देश्यों को खड़ा नहीं कर रही है या उन उद्देश्यों को अचीव नहीं कर पा रही है ना। तो इसीलिए मैं एक 7 प्रोग्राम लेकर के आया हूँ राष्ट्रीय शिक्षा योजना में या बेसिक शिक्षा योजना में। तो मेरे 7 प्रोग्राम क्या है, नंबर 1 में लिखा है कि देश में 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के जितने भी बच्चे होंगे उनके लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। यानी कि 7 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के जितने भी बच्चे हैं पूरे भारत में उनमें कम से कम जितनी भी लड़कियां हैं लड़के हैं उनको प्राथमिक शिक्षा जो है अनिवार्य और निःशुल्क रूप से दी जानी चाहिए। दूसरा उन्होंने लिखा है कि प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए एक समान हो, प्राथमिक शिक्षा जो है सभी के लिए एक समान होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने लिखा है कि इस शिक्षा का जो माध्यम होगा वो हमारी मातृभाषा होगी, मदर लैंग्वेज, मातृभाषा हमारी शिक्षा का माध्यम होगा। चौथा उन्होंने प्रोग्राम इसके लिए लिखा है कि यह शिक्षा देश की ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप हो, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि हमारा देश जो है वो ग्रामीणों का देश है और ग्रामीणों की क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी क्या डिमांड है, वो क्या चाहते हैं, तो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हम इसमें पाठ्यक्रम अपना रखेंगे। नेक्स्ट उन्होंने बताया इसमें कि इसके पाठ्यक्रम में कृषि और भारतीय हस्तकौशलों की शिक्षा भी दी जाएगी। कृषि यहाँ पर मुख्य व्यवसाय था ग्रामीणों का, तो उसकी शिक्षा दी जाएगी और किसी ना किसी हस्तशिल्प की शिक्षा की व्यवस्था भी इसमें की जाएगी। नेक्स्ट उन्होंने बताया था कि इसमें भाषा गणित आदि की शिक्षा के साथ साथ बच्चों को अपनी साफ सफाई रखनी, स्वास्थ्य रक्षा करनी,
भोजन के नियम और माता पिता के कार्यों में हाथ बटाने जैसी शिक्षा की व्यवस्था भी इसमें की जाएगी या उसकी व्यवस्था की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट इसमें आता है कि समस्त शिक्षा जो है हस्तकोशों के माध्यम से दी जाए और शिक्षा को स्वावलंबी बनाया जाए। किसी ना किसी हस्त कौशल के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। जब हम बच्चों को अपने पढ़ाए गए क्लास में ले जा करके या बाहर भी हम फील्ड में पढ़ाए गए तो जो भी हम शिक्षा उनको दे रहे हैं वो किसी ना किसी हस्तशिल्प पर आधारित होनी चाहिए, किसी ना किसी उद्योग पर आधारित होनी चाहिए ताकि वो उद्योगों को टिप्स भी समझ लें, उद्योगों के पॉइंट्स जो है उसके थ्योरी जो है उनका प्रैक्टिकल जो है वो भी समझ लें और आगे चल करके वो उनके रोजगार में सहायक हो सके। तो इस तरह से गांधी जी ने अपने 7 प्रोग्राम ले दिए। फिर इन 7 प्रोग्राम पर जो है चर्चा की गई, जितने भी वहां पर शिक्षा मिले थे वो मतलब सम्मेलन के बाद में अपने घर चले गए और सम्मेलन के बाद में उन सब चीजों पर चर्चा की गई है, बहुत अच्छी तरह से जांच की गई है, सर्वे किया गया है और जांच करने के बाद में फिर कुछ वहां पर प्रस्ताव पारित हुए हैं उस प्रोग्राम के अंतर्गत से ही लेकर के कुछ प्रोग्राम जो गांधी जी ने दिए हैं वो प्रस्ताव क्या क्या पारित हुए हैं। इसमें नंबर 1 आता है कि राष्ट्र के 7 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, जो उनका पहला एक प्रोग्राम था ये प्रस्ताव वहां पर पारित हुआ। दूसरा क्या प्रस्ताव पारित हुआ कि सारी की सारी शिक्षा जो दी जाएगी वो अपनी मातृभाषा में दी जाएगी, जिनकी जो क्षेत्रीय भाषाएं होंगी जितने राज्य है हमारे उनके राज्यों के अलग अलग भाषाएं हैं जैसे, तो उसी भाषा में वहां पर शिक्षा दी जाएगी। दूसरा प्रस्ताव ये पारित हुआ। तीसरा प्रस्ताव पारित हुआ कि शिक्षा जो है किसी ना किसी हस्त कौशल के माध्यम से ही दी जाएगी। चौथा प्रस्ताव पारित हुआ कि इस स्तर का पाठ्यक्रम जो है या इस शिक्षा का जो पाठ्यक्रम जो है वो बच्चों की अपनी आवश्यकताओं के आधार पर ही बनाया गया है, जो बच्चों की आवश्यकता होगी उनकी नीड होगी उनकी डिमांड होगी उनकी रुचि होगी, जिस समाज में वो रहते हैं उस समाज हर समाज के लिए वो अलग अलग होगी, थोड़ी सी आवश्यकताएं होती है उनकी, जंगली समाज जो है उसकी कोई और समस्या अलग हो सकती है, पर्वतीय समाज है उनकी कोई और आवश्यकता हो सकती है, तो उसी के अनुरूप जो है वो थोड़ा सा संशोधन परिवर्तन करके उसमें हम पाठ्यक्रम का आधार उसको बनाया गया। पांचवा जो प्रस्ताव वहां पर पारित हुआ है कि यह शिक्षा जो है स्वावलंबी हो यानी कि बच्चों को आत्मनिर्भर बना सकती हो ऐसी शिक्षा दी जाएगी ताकि स्कूलों में होने वाले उत्पादन से शिक्षकों के वेतन का भुगतान भी किया जा सकेगा। यानी कि बच्चों से हम वहां पर कुछ इस तरह की चीजें बनवाना चाहते हैं कि वो बच्चे कुछ ऐसी चीज बनाए कि वो चीजें जो है कि वो मार्केट में अब बेचे और बाजार में बेचे तो वो बिक जाए और उनसे जो भी पैसा मिलेगा उनसे तो उस पैसे से जो है स्कूलों का खर्चा उठ सकेगा, टीचर्स की सैलरी दी जा सकेगी, स्कूलों में जो मेंटेनेंस का डेवलपमेंट का जो कुछ काम हो सकता है वो भी वहां से पूरा किया जा सकता है, है ना। तो इस तरह की ये सब चीजें जो है 5 प्रस्ताव वहां पर पार होती है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर एक डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है आपकी, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति का और कैसे ऑर्गेनाइज की गई है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब इन 5 प्रस्तावों या गांधी जी की शिक्षा जो उन्होंने दी है उसको एक अंतिम रूप देने के लिए एक डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए हैं जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वो उस टाइम जो है कुलपति थे, उनको एक समिति बनाने का उनको मौका दिया गया है और चूंकि वो उसके अध्यक्ष थे तो उन्हीं के नाम पर ये डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति बोली जाती है कही जाती है। इन्होंने उनको एक कार्यक्रम दिया है कि इसकी एक पूरी रूपरेखा बनाई है, एक इसका अंतिम रूप इसको दे दिया जाए जो गांधी जी की शिक्षा योजना है, तो उन्होंने उसको अंतिम रूप देने के लिए अपने 2 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं। पहला प्रतिवेदन जो है उनका 1937 में और दूसरा प्रतिवेदन जो है 1938 में प्रस्तुत किया है। तो पहला उनका जो प्रतिवेदन था उसके अंतर्गत उन्होंने क्या बताया है, प्रथम प्रतिवेदन में डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने तत्कालीन शिक्षा पद्धति के दोष बताए, तो क्या बताइए जो उस समय चल रही थी, वर्धा शिक्षा योजना के सिद्धांत क्या रहेंगे, उनके उद्देश्य क्या रहेंगे, अध्यापकों और अध्यापकों का प्रशिक्षण कैसा रहेगा, विद्यालयों का संगठन कैसा रहेगा, उनका
निरीक्षण कैसा रहेगा, उन विद्यालयों की परीक्षा के नियम क्या रहेंगे, इवैल्यूएशन प्रोग्राम क्या रहेगा, और कताई बुनाई को एक मुख्य हस्तशिल्प माना गया है उसमें, है ना, और उसका जो पाठ्यक्रम है उनके उसका सेल्स का वर्णन किया गया, जो भी पाठ्यक्रम लिखा गया उसमें उसका सेल्स का वर्णन उसमें किया गया प्रतिवेदन का, प्रतिवेदन के अंतर्गत। और दूसरा प्रतिवेदन जो है आपका 1938 में जो दिया गया है उसमें क्या है, उसमें कृषि, मिट्टी का काम, लकड़ी का काम और कुछ अन्य हस्तशिल्पों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। हस्तशिल्पों का अन्य विषयों से सहसंबंध भी होना बताया गया है कि इसको एक कोरिलेटेड करके इसको पढ़ाया जाना चाहिए। उस द्वितीय प्रतिवेदन में किसी ना किसी हस्तशिल्प के माध्यम से शिक्षा को दी जानी चाहिए, इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। इसके बाद में एक हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन जो है 1938 में ऑर्गेनाइज किया गया है, और जो डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने जो दो प्रतिवेदन दिए हैं उस प्रतिवेदनों पर अच्छी तरह से चर्चा करने के बाद, जांच करने के बाद में जो है वो इस अधिवेशन में उसको स्वीकार किया गया है। यानी कि 1938 में यह अधिवेशन जो है संपन्न हुआ है, और इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो समिति थी उनकी जो दो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उनको प्रस्तुत किया गया है इसमें, और कांग्रेस ने सर्वसम्मति से इस रिपोर्ट को जो है स्वीकार कर लिया है। और कांग्रेस शासित प्रदेशों में जितने भी प्रदेश सात थे, वो सात प्रदेश थे, उनमें उनको लागू करने का निर्णय लिया गया है। और निर्णय लेने के बाद में इसको एक वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जाना गया है, और वर्तमान में जो है अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम है, जैसे जैसे वर्तमान में हिंदी में वर्धा शिक्षा योजना, बुनियादी तालीम, बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा के आदि नामों से जाना जाता है, और अंग्रेजी में इसको बेसिक एजुकेशन कहा जाता है, और हमारे उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के नाम से इसको जाना जाता है। यानी कि बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा बात हुई है या बेसिक एजुकेशन कह सकते हैं इसको, तो अलग अलग नामों से इसको अलग अलग राज्यों में संग्रहित किया गया है। और वर्तमान में भी हम देखते हैं कि बेसिक एजुकेशन है ना, या प्राथमिक शिक्षा जो है आपको बेसिक एजुकेशन से ही जानी जाती है, जो कि गांधी ने दी थी। अब हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि जो बुनियादी शिक्षा है उसका जो नाम दिया गया है उसकी क्या कारण है, कौन सा बुनियादी शिक्षा कहा गया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा योजना थी, जो वर्धा शिक्षा योजना थी, उसको बुनियादी शिक्षा क्यों कहा गया है। बुनियादी का मतलब है नींव डाल देते हैं, घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, उसमें नींव डालते हैं, तो अगर नींव मजबूत होगी, नींव अच्छी होगी, नींव संगठित होगी, बढ़िया होगी, सुदृढ़ होगी, तो मकान भी अच्छी बनेगा, घर भी अच्छा बनेगा, तो इसीलिए बुनियादी शिक्षा उसका नाम दिया गया है। इसमें थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि अंग्रेजी के बेसिक शब्द का हिंदी अर्थ होता है आधारभूत, जो बेसिक कहते हैं ना आधारभूत, और उर्दू अर्थ होता है इसका बुनियादी। यह शिक्षा आधारभूत और बुनियादी जो है निम्न कारणों से कही जाती है। नंबर एक, यह शिक्षा प्राचीन भारत की सभ्यता व संस्कृति का आधार मानी जाती है, यानी कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, उसका आधार तत्व मानी जाती है, उसका अवलंबन मानी जाती है। दूसरा, इसे प्रत्येक भारतीय बच्चे के लिए अनिवार्य आधारभूत शिक्षा स्वीकार किया गया है, लेकिन जो भी भारतीय बच्चे हैं यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है यहाँ पर, उसके लिए अनिवार्य आधारभूत शिक्षा स्वीकार किया गया है। तीसरा जो है, यह सामुदायिक जीवन के आधारभूत व्यवसाय से संबंधित है, जो एक समुदाय का एक व्यवसाय है, रोजगार है, उससे संबंधित है, इसलिए इसको व्यवसायिक शिक्षा से संबंधित होने के कारण ही बुनियादी शिक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट, इसे प्रत्येक भारतीय बच्चे की संपत्ति भी माना जाता है, प्रत्येक भारतीय बच्चों की संपत्ति मानने के कारण इसको बुनियादी शिक्षा कहा जाता है। यह सभी भारतीयों को एक ऐसा आधारभूत ज्ञान प्रदान करती है जो उनको अपने पर्यावरण को बुद्धिमत्ता पूर्वक समझने और प्रयोग करने में सहायता देती है। नेक्स्ट, इसमें बताया गया है कि यह किसी आधारभूत शिल्प के द्वारा, हस्तशिल्प के द्वारा दी जाती है, जिसका प्रयोग व्यक्ति अपने भावी जीवन के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए प्रयोग कर सकता है, या उसके जीवन निर्वाह में यह सहायक होती है। अर्थात कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं कि बुनियादी शिक्षा को बुनियादी कहने का कितने कारण हो सकते हैं, क्योंकि यह हर बच्चे की संपत्ति माना गया है, हर बच्चे या हर घर
रोजगार से जुड़ा है, व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, उसके जीवन निर्वाह से संबंधित है, उसकी संस्कृति से संबंधित है, उसकी सभ्यता से संबंधित है, उसको एक ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है उसके माध्यम से कि जो उसके जीवन में काम आने वाला है, उसके सामाजिक जीवन को, उसके राजनीतिक जीवन को, उसके आर्थिक जीवन को संवारने वाला है। इसीलिए उसको बेसिक एजुकेशन कहा जाता है, बुनियादी शिक्षा उसको कहा जाता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी।